हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट्स चैनल इंडिया पे आज हम लोग औषधीय वनस्पति गेंदा फूल के बारे में जानकारी लेते हैं। गेंदा फूल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसको लोग झंडू भी बोलते हैं। तो इसको गेंदा फूल के बारे में जानकारी बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। इसकी पहचान है, आम बात है, ठीक है, देख लीजिएगा इसकी। और इसके पत्तियों में अलग से ही एक प्रकार से खुशबू होती है, सभी को पता है, ठीक है ना। और जिनके यहाँ गेंदा फूल से परिचित लोग हैं तो गेंदा फूल के बारे में, या इसको झंडू भी बोलते हैं, तो इसके बारे में जानकारी बता दे रहा हूँ। गेंदा फूल के बारे में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है मित्रों, जैसे तमक रोग, गर्मी की बीमारियाँ होती हैं, लू, ज्वार, है ना, और मिर्गी के दौरा में प्रयोग करते हैं, हिस्ट्रिया रोग में प्रयोग करते हैं। हिस्ट्रिया का दौरा भी मिर्गी के दौरा जैसा ही पड़ता है, जैसे धागे वो पड़ के, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और जैसे किसी किसी को क्या होता है कि पैर का जो तालू जो सूज जाता है, दर्द देता है, सेकंड हार्ट जिसको बोलते हैं, तो उस अवस्था में भी इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है, ये झंडू का मतलब गेंदा फूल का, ठीक है मित्रों। और इसके बाद जैसे होता है कि जो इसका प्रयोग जैसे कर रहे हैं, तो इसका भी प्रयोग पंचांग कर सकते हैं। पंचांग का मतलब ये फूल पत्तियाँ से लेकर जड़ तक, जड़ देखिए इस प्रकार से इसके हैं, खुरदरे हल्के रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और ये जड़ वाले भाग हैं, ठीक है। तो इसका औषधीय प्रयोग इस प्रकार से रहा है मित्रों। अब मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ इसके बारे में कि जो जिन जिन मित्रों में, या जिन जिन कहने का मतलब है कि जो जानकारी रखते हैं इसके बारे में औषधि क्षेत्र में, तो हमारे चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से जानकारी है उसको मैं दोहरा दे रहा हूँ। जैसे गर्मी रोग, तमक रोग, है ना, विषम ज्वर, दांत खाज खुजली, तालू का सूजन, दर्द देना, नाभि का पकना, और उसके बाद माथा दर्द, ट्रकोमा, रोहें, नेत्र रोग, है ना, आँख के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे किसी को कहने का मतलब है, पूरे शरीर में एकदम गर्मी होता है, तब एक बीमारी जैसी होती है, तो शरीर के बाद की जैसे, या फिर अचानक की गर्मी बनना, इस स्टमक में ही होता है, स्टमक की बीमारी में ही ऐसा होता है इस प्रकार से, तो उसके दौरों में इसका रोकने में रामबाण प्रयोग किया जाता है। उसके बाद होता है जैसे आप किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मिर्गी का दौरा जिसको हमेशा पड़ता रहता है, मुँह से झाग निकल जाते हैं, कोई वो नहीं होता है, तो उस अवसर हम इसका पंचांग का प्रयोग उसको करते हैं, जिससे मिर्गी का दौरा जो होता है मित्रों वो रुक जाता है। उसके बाद हिस्ट्रिया का भी दौरा मिर्गी के दौरा जैसा ही पड़ता है, उस रोग में भी इसका पंचांग का प्रयोग करते हैं, और लगाने से ही उस दौरा को दूर करने में एकदम औषधि है। तो ये है इसका रामबाण औषधि। तो आज के विषय में हमारा है गेंदा फूल। तो गेंदा फूल को बहुत सारे विषयों से जाना जाता है। अगर किसी को गेंदा फूल के विषय से जुड़ा जुड़ा हुआ और भी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें, या फिर आपके पास और भी जानकारी है तो प्लीज़ जानकारी दें कमेंट करके। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।